शाह ने कहा है कि सीएए को किसी भी कीमत पे लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना का जैसे ही काल खत्म होता है, क्योंकि और ममता बनर्जी के तरफ इशारा किया है कि घुसपैठ किसी भी कीमत पे नहीं होने दिया जाएगा। आपका स्टैंड सीए को लेकर क्या है? हम आप ही से सवाल करते हैं, क्या घुसपैठ को आप लोग सारा ताना देंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह। जो हमारे नागरिक हैं उनकी सदस्यता पे, उनके सिटीजनशिप पे कोई भी आंच नहीं आने वाला है। इस बात को हमारे गृह मंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि उनके नागरिकता पे कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगने वाला है। जो घुसपैठ हैं, जो इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। जो यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे हैं, अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं, पालन पोषण का हो रहा है, तो उनको कोई घुलाने की इसमें जरूरत नहीं है। घुलाना उन्हें है जो कि इनलीगल तरीके से हमारे देश में है। लेकिन जेडीयू का स्टैंड तो अलग है, जेडीयू इससे अलग है, जेडीयू साफ करे कि इस तरह के किसी भी कानून का वो समर्थन नहीं करेगी। आप सरकार में है बिहार में, आपने हमसे सवाल किया, हमने जो हमारे जो विचारधारा है वो हमने रखा, आप वो क्या क्या कह रहे हैं आप वो स्पष्ट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि उसका कोई समर्थन करेगा। जातीय जनगणना को लेकर क्या आपकी राय? देखिए, ये 2011 में 10 साल से ज़्यादा हो रहा है ये हुआ था, और उसके बनस्पत जितनी भी योजनाएं बनती हैं उसके बनस्पत बनती हैं। हमें लगता है कि ये होना चाहिए ताकि आगे भविष्य में जो भी योजनाएं अगर बनती हैं तो उसके हिसाब से योजनाएं बनाए जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। एनडीए का साथ है कि बीजेपी एकदम नहीं करवाना चाह रही है? नहीं, देखिए, एकदम नहीं करवाना चाह रही है, लेकिन जो जनहित में जो भी फैसला लिया जाएगा, जो जनहित के लिए फायदेमंद होगा, वो जरूर करना चाहिए। प्रशांत किशोर आए हैं पटना का नई पार्टी का ऐलान किए हैं, हमें नहीं लगता उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया है। देखिए, सभी स्वतंत्र हैं अपना अपना फैसला लेने के लिए, वो पार्टी बनाए या क्या करें, सभी लोग स्वतंत्र हैं। इस पर हम ज़्यादा कुछ टिप्पणी करना भी चाहेंगे और इस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से वही बता पाएंगे। अब विधि व्यवस्था को, बिहार के विधि व्यवस्था को मुद्दा बना रही है और ये कह रही है कि बिहार की तरह बिहार में जन्म जगत प्रशासन का मन ये सवाल विपक्ष उठा रहे हैं। विपक्ष के ही जब सरकार थी तो ही तो जंगल राज था, जब विपक्ष ये सवाल कर रही है कि वहाँ जंगल राज आ रहा है, जिस जो जो विपक्ष जो जो विपक्ष पहले सरकार में थी, जिसके 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 सरकार में जब ये जंगल राज का नाम प्रचलित हुआ था, क्या वही विपक्ष दोबारा सवाल उठा रही है? आप 15 साल अगर आप देखें, आप अगर आज सड़क पर निकलते हैं, ये अटल पर, ये मेट्रो का काम, ये नए हाईवे ये बन रहे हैं, ये क्या विकास का काम नहीं है? ये कौन सा काम है? पहले के मुकाबले, आज के मुकाबले आप देखिए, सिक्योरिटी वाइज हो, सेफ्टी वाइज हो, सब में सुधार आया है। आप लोग भी यहाँ पे हैं, पहले कुछ ही पत्रकार साथी होते थे, आप तो काफ़ी सैकड़ों के संख्या में पत्रकार हैं। आप लोग बताइए, जब आप लोग यहाँ निकलते हैं तो क्या आप लोगों को पहले के मुकाबले बिहार कैसा लगता है? क्या विकसित बिहार नहीं लगता है आपको पहले के मुकाबले? बहुत ही शर्मनाक घटना है ये, और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है, मान सम्मान रखना चाहिए, संस्कार हमारे संस्कार में इस तरीके की चीजें नहीं है। और आप ही सवाल पूछते हैं, जवाब आप ही इसमें दे देते हैं, जिसमें हम क्या कहेंगे? जाति विवाद जो होता है ना, वो अभिभावक का डिसीजन निर्णय होता है, इसलिए आप लोग इस पर क्वेश्चन और एवं करने का विषय नहीं है। और जहाँ तक रही आज बैठने का और बुलाने का आप लोगों में इतनी बड़ी भीड़, तो मैं ये बता दूँ कि आप लोगों को जो भी टाइम टू टाइम बुलाया जाता है उसका मॉनिटरिंग और सारा चीज करने के लिए पार्टी की तरफ से हमको प्रभारी नियुक्त किया गया। आप समझ गए, जैसे कि अभी हमको कई आदमी बोले कि देखिए हम बोल भी रहे हैं उधर, फिर आता रात न्यूज का सूचना बदल जाता है। अभी कुछ लोग बोले कि 158 में खबर मिला कि कैंसिल हो गया है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। संचालन जो होगा ना, वो आप लोगों को हम खबर करेंगे कि कब कितने बजे आना है, क्या आना है,
ऑपरेशन जो होगा बुलाने का काम ये सब हम अब आपको करेंगे, इसलिए आप लोग निश्चिंत होके आराम से रहिए, बढ़िया से रहिए। और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई अगर ऐसा होता है तो आप अवश्य बताएं, और हमारे पार्टी के जो भी कार्यक्रम हो, बैठक हो, रैली हो, जो भी सारे चीज़ हो उसको पूरे बढ़िया तरीके से आप लोग कवरेज कीजिए। हम लोगों भी आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं हैं, हाँ एकदम चाहिए। और जो विरोधी और जो भी गलत तरीके का दिग्भ्रमित मैसेज फैलाते हो, कम से कम आप एक ऑथेंटिक आदमी से जरूर बात कर लीजिए कि आखिर फैक्ट क्या है, सच्चाई।